सुबह दादा हमारे पास मर्सिडीज, आज अपन करने वाले इसका डीजल फिल्टर चेंज, कहाँ पे रहता है, कैसे चेंज करते हैं, कितने का था पूरा बताऊंगा। वीडियो में बने रहे लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपने को ये निकालना पड़ेगा कवर, क्योंकि इसके अंदर रहता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये कवर है ना, ये यहाँ पे इसका डीजल फिल्टर, ये वाला जो रहता है ना, इसको ये डीजल फिल्टर रहता है। तो अभी अपने को क्या करने का, ये इधर का एयर फिल्टर है और ये जितना भी पाइप है ना टर्बो, और जो एयर फिल्टर से होकर टर्बो में जाता है ना, उसको निकालने का है। कपलर विपलर जो भी रहेंगे ना, सब निकाल देने का है। तो अभी उसको निकालेंगे और उसके बाद ही पूरा वो जितना भी रहेगा ना सब दिखेगा। तो जितना भी कपलर विपलर रहेगा सब निकाल देने का और उसके बाद फिर निकालने का, तो एकदम ईजिली ऊपर के ऊपर पूरे तरीके से दिखता है जैसे वो फिल्टर का निकालेंगे ना। और हमारे पास नया वाला आ चुका है, ये देख सकते हैं आप, और ये नया वाला। और नया लेने को जाएंगे ना आपको तो मतलब 1500 और 2000 के बीच में मिल जाएगा आफ्टर मार्केट वाला। कंपनी का तो रेट अपने को कुछ उतना नहीं आइडिया, पर आफ्टर मार्केट वाला 1500 और 2000 के बीच में आ जाएगा। तो ये लगा देने का। तो अभी इसको क्या करते हैं, इसको बाजू में करते हैं। तो अभी हमने क्या किया, इसको खोल दिया, ये देख सकते हैं। अब एयर फिल्टर खोला ना, ये देखिए एकदम ईजिली दिखता है, एकदम आसान रहता है। ये इसका फिल्टर का पाइप है तो एकदम आसान रहता है, एकदम ईजी रहता है। तो अभी क्या करेंगे, अभी ये जो दिख रहा है हमने को, ये दो पाइप खोलने का और इसके बाद एक ही स्क्रू लूज करने का, सिर्फ लूज करने का, बाकी का कुछ नहीं खोलने का, सिर्फ एक स्क्रू लूज करेंगे ना तो सब निकल जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, ये दोनों पाइप ये देख सकते हैं निकाल दिया यहाँ से, और इसके बाद इसका ये जो कनेक्टर सेंसर का जो था ना, वो कनेक्टर निकाल दिया है। तो अभी ये अपने को क्या करने का, ये वाला जो दिख रहा है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर ये वाला जो रहता है इसको कुछ खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला जो बोल्ट है ना इसको लूज करने का, बस ये वाला स्क्रू लूज करने का, 5 के एलिंग लेने का और उससे एकदम लूज कर देने का, इजीली वो ऊपर के ऊपर ही निकल जाता है, मतलब वो उसी में पैक रहता है। अगर ये सब खोलेंगे ना तो उतना कुछ निकलेगा नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा। तो इस सच्चे क्या करने का, ये लूज करने का, एकदम सिंपल सा है, उसको लूज करने का और वो ऊपर की साइड में निकल जाएगा। तो अभी देख सकते हैं, अभी हमने उसको लूज करके दिया है तो ये देखे हिलने लगा है। तो अभी क्या करेंगे, इसको एक जन को बोलेंगे तो वो निकल देगा। तो अभी इसको निकलते हैं, ये देखिए एकदम ईजी निकल जाता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता, ऐसा ही बैठता है, वापस बिठाने का और वैसा ही टाइट कर देने का, एकदम आसान है, जैसा पाइप था वैसा ही। तो अभी ये जूना वाला है, अभी ये सेंसर निकालने का अपने को और वो दूसरे वाले में डालने का है। तो सेंसर कैसे निकालने का वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दो स्क्रू खोलने का और उसके बाद थोड़ा सा घुमाने का, कैसे घुमाने का वो बताऊंगा आपको मैं। ये दो स्क्रू खोलेंगे तो इसको, ये वाले को, नए वाले को सेंसर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों स्क्रू खोल के ना इसमें डालेंगे। तो अभी हमने वो दोनों स्क्रू खोल दिया, ये देखिए अभी इसको क्या करने का, जस्ट ऐसा घुमाने का और उसके बाद ये कनेक्टर लेने का और उसके बाद इसको थोड़ा कटाने का, क्योंकि उस अंदर में दो ओरिंग रहती है, ओरिंग भी चेंज करने का क्योंकि फिल्टर के साथ में आती है, नहीं तो वापस लीकेज विकेज का प्रॉब्लम होगा। तो ओरिंग नया डाल देने का, तो इसलिए करके इसको अभी उठाते हैं, जैसे उठाएंगे ना वो ईजिली निकल जाता है, मतलब थोड़ा ताकत लगती है, माइनस लेने का ईजिली निकल जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। दो स्क्रू निकालेंगे ना तो वो ईजिली निकल जाता है। तो अभी ये देखिए, अभी ये निकल गया, ओके अभी ये निकल गया बाहर। तो अभी इसको क्या करेंगे, इसका जो अंदर का ये ओरिंग है ना, इसको ओरिंग को डाल देंगे नया वाला, क्योंकि अभी ओरिंग उसमें फिल्टर के साथ में आता ही है, तो ओरिंग नया डाल देने का। तो अभी ओरिंग नया डालते ही, ये देखिए इसमें से क्या करने का, कैसा भी करके इसको निकाल देने का, जो भी आपके पास टूल रहेगा उससे निकाल देने का। ये देखिए इसे लगा देने का, बस एकदम सिंपल है, पहले एक लगाने का फिर बाद में दूसरा वाला ऊपर वाला लगा देने का बस। तो ये लगाने के बाद बाकी का जो भी रहेगा ना, पूरी तरीके से पूरा फिटिंग करने का, और उसके बाद फिर जो रहेगा उसका डीजल जो लीकर है वो लीक जरूर चेक करें। तो क्या होता है, नहीं तो डीजल लीक होने लगा ना तो अंदर में डायरेक्ट वास आता है, तो कस्टमर बोलेगा कि हाँ वास आने रहे। तो इसलिए क्या करेगा, जो भी रहेगा ना तो उसको निकाल देने का और उसके बाद फिर और लीक चेक करने का लगाने के बाद, और कैसा चालू करने का, डीजल का एयर कैसा उड़ाने का, वो सब बता दूंगा आपको। तो जब तक ये ओरिंग पूरी तरीके से ऊपर लेके जाते हैं और उसके बाद इसको लगा देते हैं, ये दोनों ओरिंग नया आता है ना तो चेंज कर देने का, नहीं तो क्या होगा ना, लीकेज का प्रॉब्लम रहता है, तो इसमें क्या लीकेज नहीं होगा, और जैसे डाले तो वैसे डाल के और उसके बाद नया वाले में फिटिंग कर देंगे और उसको घुमाने का, और उसके बाद दो स्क्रू जो रहते हैं उसको फुल टाइट कर देने का। तो अभी इसको डालते हैं इसके अंदर, ये देखिए ऐसे जाएगा थोड़ा इधर, एक मिनट ये उल्टा जा रहा है, अभी जाएगा, अभी इसको प्रेस करेंगे, बस बैठ गया, ओरिंग गया, थोड़ा जाम जाता है लेकिन चला जाता है, अगर नहीं जा रहा तो ऑयल बिल लगा दे और उसके बाद वो इजीली चला जाएगा, बस ऐसे घुमा देने का। अभी ये दो स्क्रू टाइट कर देते हैं, अभी ये दोनों स्क्रू टाइट कर दिया हमने, पुल फुल हो गया अपना काम। तो अभी इसके अंदर जो रहता है ना, ये देखिए ये आए, पर अपने वाले के साथ में काला वाला आया है, तो इसको क्या करेंगे, पहले काले वाले को अंदर की साइड में डालेंगे, ऐसा डालेंगे ना तुम तो वो जाएगा नहीं, तो पहले क्या करने का, काले वाले को जो है अंदर की साइड में डालने का और उसके बाद फिर लगाने का। तो अभी वो स्क्रू को टाइट करेंगे और ये जितना भी है पूरा फिटिंग करेंगे और उसके बाद गाड़ी को चालू करेंगे अंदर की साइड में जाके। तो अभी हमने इसको पूरी तरीके से, ये देखिए यहाँ से ये सब पूरा फिटिंग कर दिया है, यहाँ पे ये पूरा नया ओरिंग वो लगा दिया, थोड़ा लूज गिर रहा था इसलिए करके वो लीकेज नहीं होना चाहिए, लीकेज नहीं होने कुछ करने का लीकेज नहीं होना चाहिए बस। तो अभी इसको क्या करेंगे, एयर फिल्टर लगा देंगे उसके बाद।
तो अभी हमने क्या किया, एयर फिल्टर देखे, अभी जैसा था पूरे पहले से ही सब मार मेर के रखा था, तो इसमें थोड़ा फटा हुआ भी था, तो इसलिए हम उसको बना भी दिए, फिल्टर का जो कवर है ना उसको पाइप को बना दिया है। तो अभी चलते हैं अंदर की साइड में। तो अभी हम आ गए अंदर की साइड में। अभी क्या करने का, सिंपल सा फंडा है, उसको क्या करने का, 3 से 4 बार इग्निशन ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करने का। तो उससे क्या होगा, डीजल फिल्टर है जो फुल हो जाएगा, और फुल होने के बाद जैसा स्टार्टर मारेंगे ना आप, तो वो गाड़ी स्टार्ट हो जाएंगी लगे। और ऐसे करने का नहीं, तो अगर डायरेक्ट स्टार्टर मारेंगे ना तो फिर एयर के चांसेस ज्यादा रहते हो, पर क्या करने का, डायरेक्ट इग्निशन ऑन ऑफ करने का और उसके बाद डायरेक्ट स्टार्ट मार देने का। तो अभी गाड़ी चालू है, देख सकते हैं अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही सेल्फ में डायरेक्ट स्टार्ट हो गए। तो आगे की साइड में चलता हूँ। तो अभी हम आ गए आगे की साइड में, तो देख सकते हैं अभी यहाँ से कोई भी लीकेज नहीं है, आप चेक कर ले और उसके बाद ही प्रॉपर उसके बाद ही कस्टमर को दे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बाकी का कुछ रहेगा तो कमेंट करें, जरूर जवाब दूंगा मैं उसका।